स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पार्ट 11। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पार्ट 11, और इसको हम पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि कॉमन एरर से रिलेटेड कि आई सॉ द वुमन हुम यू सेड लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो इसमें गलती क्या है? इसमें कभी कभी हम लोग हु और हुम के प्रयोग में गलती कर बैठते हैं, ठीक है, और जो कि कॉमन एरर हैं इंग्लिश में। तो इसमें गलती हु और हुम के यूज में है। तो यहाँ पे हुम जो यूज हुआ है वो गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई सॉ the woman यहां पे who ऑप्शनल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। the woman you said lived next door, या तो ये कर लीजिए I saw the woman you said lived next door, और I saw the woman who you said lived next door, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द बेस्ट विच आई हैव सीन। तो इसमें एरर क्या है? ये विच का गलत इस्तेमाल, ये एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट, यहां पे दैट का इस्तेमाल ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। इट इज द बेस्ट दैट आई हैव सीन, या तो ये कर लीजिए या इट इज द बेस्ट आई हैव सीन, कॉमा देखिए आई हैव सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम डू यू थिंक विल बी चूजन। यह भी उसी कैटेगरी में आता है, कॉमन एरर के उसी कैटेगरी में आता है जहां पे हु और हुम का यूज का गलत इस्तेमाल होता है। हुम डू यू थिंक विल बी चूजन, ये गलत है। तो गलती कहां पे है? हुम में, हुम का जो यूज हुआ है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? हु डू यू थिंक विल बी चूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु डू यू थिंक आई सॉ यस्टरडे। ये भी हु और हुम का गलत इस्तेमाल का एरर है। तो इसमें गलती कहां पे? हु डू यू थिंक, हु में गलती है। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? हुम Do you think I saw yesterday? ठीक है, तो कुछ
हु और हुम के सेंटेंस हमने पढ़े हैं, तो ये इस्तेमाल एग्जाम्पल से याद रखिए और हु और हुम का सही इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज गिव मी वन अदर बुक। तो इसमें गलती कहाँ पे है, वन अदर बुक ये गलत है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, प्लीज गिव मी अनदर अनदर बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है द मोर पीपल विल एग्री विद मी, तो गलती कहां पे है, द मोर, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मोस्ट पीपल विल एग्री विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल स्टॉप, इन द आफ्टरनून आई स्टे होम, तो गलती कहाँ है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगेगा एट, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इन द आफ्टरनून, आफ्टर नून आई स्टे एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, सी वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम द हाउस, तो यहाँ पे गलती क्या है, वॉज का गलत यूज, तो यहाँ पे वॉज का यूज नहीं होगा, सी डिसअपियर्ड बिना वॉज का ही होगा, डिसअपियर्ड फ्रॉम द हाउस। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, इट इज बेटर टू एंजॉय योर सेल्फ वेन यू आर गोइंग रेदर देन वेस्टिंग टाइम वरिंग अबाउट द फ्यूचर, तो ये एक बड़ा सेंटेंस है, ट्राई कीजिए खुद से, फिर मैं बताऊंगा आंसर। तो यहां पे गलती कहाँ है, रेदर का यूज, तो हम लोग ओमिट करेंगे रेदर को, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इट इज बेटर बेटर टू एंजॉय योर सेल्फ वेन यू आर यंग देन, बिना रेदर का हम लोग लिखेंगे, देन वेस्टिंग टाइम वोरिंग अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ यू वुड डू मी दिस फेवर आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, तो यहां पे रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ मूड। हाँ, तो गलती कहां पे है, यहां पे इफ यू वुड दिया हुआ है ना, और हम यहां क्या कर रहे हैं, आई विल, तो गलती यहां पे है, दोनों को एक समान रखना है, जैसे इफ, करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इफ यू वुड डू मी दिस फेवर
आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। या तो ऐसे लिखिए, और यहां पे देखिए, यहां वुड रखे हैं, यहां भी वुड रखे हैं, ठीक है, दोनों जगह समान है, एक में विल एक दूसरे में वुड नहीं। या नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, इफ यू विल डू मी दिस फेवर फेवर आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां विल रखे हैं तो यहां भी विल रखे हैं, दोनों जगह समान। तो या तो इस तरह से करेक्शन कर लीजिए, या इस तरह से, या तो इसका वुड हटा दी के विल कर दीजिए, या इसको भी यहां वुड है तो यहां भी वुड लगा दीजिए। तो ये हो गया इसका करेक्शन, याद रहेगा। चलिए, मेनली आज हु और हुम, वुड, विल, मूड वगैरह, ये सब हमने पे एरर पे कंसंट्रेट किया। आगे और आगे क्लासेस में और डिफरेंट टाइप्स के एरर डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।